क्यों फिल्म को छोड़ने की धमकी दी सलमान खान ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गॉडफादर मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। सलमान खान साउथ के मेगा स्टार चरण देवी की मूवी गॉडफादर में उनके साथ नजर आने वाले हैं। इस मूवी में उनका कैमियो होगा। इस मूवी में काम करने के लिए सलमान खान फिल्म मेकर से एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। वो चिरंजीवी के लिए फ्री में ही मूवी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही चिरंजीवी ने एक फोटो पोस्ट की थी और सलमान का मूवी में स्वागत किया था। इसमें वो सलमान खान को फूलों का गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फैंस को अचानक तब धक्का लगा जब ये खबर फैली कि सलमान खान ने मूवी छोड़ने की धमकी दे दी है। दरअसल गॉडफादर के मेकर सलमान खान को इस मूवी में कैमियो के बदले 20 करोड़ रुपए की फीस देने की गुजारिश कर रहे थे। मेकर्स मान ही नहीं रहे थे और नहीं चाहते थे कि सलमान खान फ्री में काम करे, लेकिन भाईजान तो फिर भाईजान है। उन्होंने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। उन्होंने मेकर्स को साफ इनकार कर दिया कि वो चिरंजीवी की मूवी के लिए पैसे नहीं लेंगे और अगर ज्यादा फोर्स किया गया तो वो मूवी में काम करना ही छोड़ देंगे। सलमान और चिरंजीवी दोनों ने अपने अपने हिस्से की शूटिंग हैदराबाद में शुरू कर दी है। गॉडफादर एक मलयालम मूवी लूसीफर का हिंदी रीमेक है। लूसीफर को पृथ्वीराज सुकुमार ने डायरेक्ट किया था। गॉडफादर में सलमान खान और चिरंजीवी के अलावा नयनतारा, सत्यदेव कंचाराना, हरीश उत्थामन, जयप्रकाश और वामसी कृष्ण लीड रोल में नजर आएंगे। बता दें दर्शकों कि चिरंजीवी और सलमान के बीच काफी अच्छा बॉन्ड है, इसलिए वो इस मूवी में काम करने के लिए राजी हुए हैं। वेल दर्शकों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।